दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं संसद भवन के बारे में। संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 के दौरान किया गया था। संसद भवन नई दिल्ली का बहुत ही शानदार इमारतों में से एक है। यह विश्व के किसी भी देश में विद्यमान वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी तुलना विश्व के सर्वोत्तम विधान भवनों के साथ की जा सकती है। यह एक विशाल वृत्ताकार भवन है जिसका व्यास 560 फुट तथा घेरा 533 मीटर है। यह लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। भवन के 12 दरवाजे हैं। पहली मंजिल पर खुला बरामदा हल्के पीले रंग के 144 चित्ताकर्षक खंभों की कतार से सुसज्जित है। प्रत्येक खंभे की ऊंचाई 27 फुट है। भले ही इसका डिजाइन विदेशी वास्तुकारों ने बनाया था, इस भवन का निर्माण भारतीय सामग्री से तथा भारतीय श्रमिकों द्वारा किया गया था। तभी इसकी वास्तुकला पर भारतीय परंपराओं की गहरी छाप है। इस भवन का केंद्र बिंदु केंद्रीय कक्ष सेंट्रल हॉल का विशाल वृत्ताकार ढांचा है। केंद्रीय कक्ष के गुंबद का व्यास 98 फुट तथा इसकी ऊंचाई 118 फुट है। विश्वास किया जा सकता है कि यह विश्व के बहुत शानदार गुंबदों में से एक है। भारत की संविधान सभा की बैठक 1943 से लेकर 1949 इसी कक्ष में हुई थी। 1947 में अंग्रेजों से भारतीयों के हाथों में सत्ता का ऐतिहासिक हस्तांतरण भी इसी कक्ष में हुआ था। इस कक्ष का प्रयोग अब दोनों सदनों के अभिभाषण के लिए किया जाता है। कक्ष राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों से सजा हुआ है। केंद्रीय कक्ष के तीन ओर लोकसभा, राज्यसभा और ग्रंथालय के तीन कक्ष हैं। उनके बीच सुंदर बगीचा है जिनमें घनी हरी घास के लॉन तथा फव्वारे हैं। इन तीनों कक्षों के चारों ओर एक 4 मंजिला वृत्ताकार इमारत बनी हुई है। इसमें मंत्रियों, संसदीय समितियों के सभापतियों और पार्टी के कार्यालय, लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय के महत्वपूर्ण कार्यालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यालय भी यही हैं। पहली मंजिल पर 3 अन्य कक्षों का प्रयोग संवाददाताओं द्वारा किया जाता है। संसद भवन के भूमि तल पर गलियारे की बाहरी दीवार को अनेक भित्ति चित्रों से सजाया गया है जिनमें प्राचीन काल से भारत के इतिहास तथा पड़ोसी देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित किया गया है। लोकसभा के कक्ष में आधुनिक ध्वनि व्यवस्था है। दीर्घाओं में छोटे छोटे लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। संसदीय माइक्रोफोन के पास आए बिना ही अपनी सीटों से बोल सकते हैं। राज्यसभा कक्ष लोकसभा कक्ष की भांति है। यह आकार में छोटा है जिसमें 250 सदस्यों के बैठने के लिए स्थान है। केंद्रीय कक्ष के दरवाजों के ऊपर हमें पंचतंत्र से संस्कृत का एक पद्यांश देखने को मिलता है जिसका अर्थ है यह मेरा है तथा वह पराया है। इस तरह की धारणा संकीर्ण मन वालों की होती है, किंतु विशाल हृदय वालों के लिए सारा विश्व ही उनका कुटुंब होता है। वासुदेव कुटुंबकम। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने कमेंट भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए।